हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इस बुक में टोटल 3100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और इस बुक में सारे ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2 के लिए दिए गए हैं। ये बुक दोस्तों लेटेस्ट है, यानी कि ये 2019-2020 में जो भी रेलवे की परीक्षाएं की गई हैं उन्हीं से इन प्रश्नों को लिया गया है और ये आने वाले समय में आपके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बुक ये लेटेस्ट है और आने वाले समय में 2021-2022-23 में जो भी रेलवे की परीक्षाएं होंगी उन बच्चों के लिए किताब इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम होना है, रेलवे ग्रुप डी का, और एनटीपीसी मेंस का भी एग्जाम होगा, याद रखिएगा, उन दोनों एग्जाम के लिए बुक काफी इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज हम इस बुक से पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास को, याद रखिएगा, ये प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 है और जल्द ही हम सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास को हम जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी धर्म और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हें दोस्तों आज कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता डॉट डॉट, यहाँ आप लिख सकते हैं कितनी वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। देखिए, यह कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, आप ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं 3000 ईसा पूर्व। देखिए, यहां कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे मैं आपको इसे क्लियर करा सकता हूं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा इस फैक्ट को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बना सकता है वो। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बत्स द्वारा की गई थी। अक्सर जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसकी खोज के ऑप्शन में, यानी कि जब खोज किसने की थी क्वेश्चन पूछेगा, तो दयाराम साहनी आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला है, याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला। अब देखिए, ये सन हमने लगाया है 3000 ईसा पूर्व, ये किस तरह है, तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व मोटे तौर पर है वो है 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। और यदि हम रेडियो कार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा देखें तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और साथ ही साथ कुछ इतिहासकार सिंधु सभ्यता की तिथि को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। तो उपयुक्त दोस्तों, इतनी व्याख्या देखने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका निकटतम विकल्प जो है वो सी आंसर सही रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है डॉट डॉट, यहां आप लिख सकते हैं, का विकास 5000 बीसी ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा, डॉट की जगह आप लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा,
हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास इसका विकास हुआ पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। यहां से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, याद रखिएगा बार बार ये डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और एवं माधो स्वरूप बत्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। याद रखिएगा भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ईंट के बने भवन। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के भवन। ठीक है, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। यह विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था, याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में जो सामान्यता 4:2:1 में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कई बार रेलवे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन बुक में यहाँ दोस्तों सिर्फ लिखा है आरआरबी एनटीपी 2017, लेकिन आप और भी प्रकाशन की बुकों को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता थी तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कंप्लीट देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबा और टिन का मिश्रण था। देखिए साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कांसा का मिश्रण, याद रखिएगा इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया जो तांबा और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। याद रखिएगा ये फैक्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे बनने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांसा। अभी हमने कुछ देर पहले कंप्लीट किया था कि इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो कि तांबा और टिन का मिश्रण था। तो यही आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रण का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आजमगढ़। याद रखिएगा कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तीनों ही सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं, लेकिन यहां जो आजमगढ़ ऑप्शन डी में है ये सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। देखिए कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आजमगढ़ तो हमने ऑप्शन से हटा दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए स्थल का क्या, तो देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। यहां आपको एक फैक्ट और याद करने को मिल गया, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए सैंधव सभ्यता का मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, कौन कौन से नाम है ये, मोहनजोदड़ो जो कि ऑप्शन में था, हड़प्पा ऑप्शन में था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है चनहूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ,
में मुर्दों का टीला है, यानी कि किस भाषा में है, ठीक है ना, ये कह रहा है आपसे किस भाषा में मोहनजोदड़ो का जो नाम का जो अर्थ है मुर्दों का टीला है ये किस भाषा में है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, सिंधी भाषा में। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है, मुर्दों का टीला। क्या है, मुर्दों का टीला। तो याद रखिएगा सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इनका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इनका उत्खनन राखल दास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विष्णु। याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से विष्णु लगाएंगे आप। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह है जो कि ऑप्शन में था आपका, तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जिससे शिव का आदि रूप माना जाता है, जो कि ऑप्शन में था, यानी कि स्वास्तिक और शिव दोनों ही ऑप्शन में थे तो इनकी पूजा होती है। आगे देखिए, इसके दाएं तरफ हाथी और एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ये क्वेश्चन और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी, ठीक है ना। तो पक्षी के रूप में इन्होंने कबूतर को ले लिया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन में देखिए हनुमान, अयप्पा, काली, पशुपति। तो इसका राइट आंसर है पशुपति। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिंधु सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों इतने सारे फैक्ट यहाँ क्यों दिए हैं, याद रखिएगा बुक में आप सारे क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ हर क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि देखिए थर्ड फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी लिपि थी, यदि भाव चित्रात्मक जो कि दाई ओर से बाई ओर को लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं इन फैक्ट को आप अच्छे से सुनिए। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समावधि से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों धोलावीरा का साफ साफ ही आपसे कह रहा है कि धोलावीरा का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जिसका संबंध किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसहरा नदी के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सेमधव सभ्यता का एक नगर था। तो क्लियर हो गया है गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है ना। इसकी खोज 1967 से 68 के बीच जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990 से 1991 में डॉक्टर आर एस विशिष्ट के निर्देशन में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। देखिए रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना है वेद आपका, ठीक है, ये सबसे पुराना है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहां से 10 मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, बाल खिल्ल पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10462 रचनाएं हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं।
अब कह रहा है इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और ध्यान से सुनिए, अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, विश्वामित्र द्वारा रचित, तो विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र, और जो कहा है तीसरे मंडल में ऋग्वेद के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और क्या फैक्ट है इम्पोर्टेंट, इसके नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो नवे मंडल में, ठीक है ना, नवे मंडल में। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल खिल भजन शामिल हैं। तो अभी हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी इससे पहले क्वेश्चन 13 की, तो इसका राइट आंसर आप आराम से लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1028, यानी कि ऑप्शन बी। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद में डॉट डॉट मंत्र हैं, तो अभी हमने कंप्लीट किया था कितने मंत्र हैं दोस्तों, 1028, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? सही आंसर है दोस्तों इसका अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। देखिए अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है, ठीक। इसमें 20 अध्याय, 731 अथवा 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों के संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है, अथर्ववेद में, और यहां जादू टोना की बात हो रही है, वशीकरण की बात हो रही है, भूत प्रेतों की भी बात हो रही है। निम्नलिखित में से वेद में संगीत का वर्णन है, यानी कि किस वेद में संगीत का वर्णन है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सामवेद, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा सामवेद में संगीत का वर्णन है। देखिए सामवेद में गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है, ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है बलिदान। क्या है दोस्तों, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, बलिदान। देखिए याद रखिएगा यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के चार प्रमुख ग्रंथों में से एक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ये, जिसमें कह रहा है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद, याद रखिएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। देखिए अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रण, गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अथर्ववेद के रचयिता, तो यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, याद रखिएगा अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, और अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गात्र एक मंत्र है, तो राइट आंसर इसका मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ यानी कि सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन बन जाता है यहां से सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम
शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है महाउपनिषेध। क्या है दोस्तों? महाउपनिषेध, ध्यान से सुनिएगा, महाउपनिषेध में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ है धरती ही परिवार होता है। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में ब्लैंक भरना है, डॉट डॉट उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आप कह सकते हैं 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषदों में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यका उपनिषद सबसे बड़ा और मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा है 12 श्लोकों का, तथा छांदोग्या उपनिषद सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना उपनिषद है, अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, ठीक है ना? तो आप इसका क्वेश्चन आंसर आराम से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे प्राचीन कह लीजिए या सबसे पुराना कह लीजिए, बात बराबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छांदोग्या उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है, यानी कि प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5 मूल तत्वों से बनी है। देखिए यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बनते हैं, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। देखिए पंचभूत, जिसे आप पंच तत्व या पंच महाभूत कह सकते हैं, भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। क्या है ये? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनकी सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं, सजीव बनाने के लिए इनको आत्मा चाहिए, और आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से बना माना गया है। देखिए सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 पंचभूतों से बना माना गया है। कठोपनिषद में नचिकेत नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत से बात कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भगवान यम। ठीक है दोस्तों, भगवान यम देवता नचिकेत से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कटो उपनिषेद में नचिकेत एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषेद है। इस उपनिषेद के रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। देखिए महाजनपद काल से एक या दो क्वेश्चन ही यहां कंप्लीट दिखाए गए हैं, लेकिन इन दो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो आप कह सकते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 16। अब देखिए यहां डिस्क्रिप्शन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध यानी कि गिरिब्रज, वत्स्य यानी कि कौसाम्बी, कौशल यानी कि श्रावस्ती, अवंती यानी कि उज्जैन। देखिए ये ब्रैकेट में जो आपको दिख रहे हैं नाम, ये के आधुनिक नाम है, ठीक है ना? सर्वाधिक प्रसिद्ध थे।
प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? देखिए अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, मैंने आपसे क्या कहा था कि ब्रैकेट में जो नाम लिख रखे हैं वे इनके आधुनिक या प्राचीन नामों की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशल, ठीक है ना। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से विभाजित था ये। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन 27 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात हो रही है यहां से जैन धर्म की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अब यहां से बनेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थांकर बना, यानी कि कौन से नंबर के ये तीर्थांकर बने ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 23वें। तो दोस्तों याद रखिएगा पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर थे, ठीक है ना। देखिए अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। क्या था? सर्पफन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थांकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ थे और इनका प्रतीक था बृहस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर तीर्थांकरों में अंतिम तीर्थांकर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कौन से नंबर के तीर्थांकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 24वें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थांकर और अंतिम तीर्थांकर माने जाते हैं। तो देखिए महावीर 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थांकर थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। इन्हें जरांबिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। देखिए अब क्या लगाएंगे अब आंसर, मैं देखता हूं, लगाइए अब आंसर। तो त्रिरत्न की अवधारणा दोस्तों जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आरआरबी ने प्रश्न में निरस्त कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, इसके नंबर नहीं जोड़े गए होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि त्रिरत्न की बात जैन धर्म में भी होती है, बौद्ध धर्म में भी होती है, ठीक है ना। देखिए यहां लिखा भी हुआ है नोट, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अब देखिए एग्जाम में यदि क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है तो या तो यहां पर वो आपको जैन धर्म देगा सिर्फ लिखकर, या बौद्ध धर्म, दोनों में से एक धर्म वो लिखेगा और ऑप्शन डी में लिख सकता है, इनमें से कोई नहीं। यदि दोनों साथ में आए या ऑप्शन में लिख दे आपसे ऑप्शन बी और सी उपयुक्त दोनों इस प्रकार से, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की जोड़ी असंगत है, यानी कि कौन सी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है। ऑप्शन ए में लिखा है इस्लाम धर्म कुरान, तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, सही है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? ईसाई धर्म का बाइबल, ठीक है, ये इसकी पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, यानी कि पवित्र पुस्तक है ईसाई धर्म की, तो ये भी सही है। लेकिन जैन धर्म में उपनिषद लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराणों, काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद, अब यहां ऑप्शन में लिखा था उपनिषद जैन धर्म से है, तो हमने उसको गलत कर दिया था कि ये जोड़ी गलत है। तो अब बात कर रहा है उपनिषद है किस धर्म का, तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाग्यम के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था।
तो दोस्तों इसका आंसर है साल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। देखिए गौतम बुद्ध से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं, तो इन्हें हम देखते हैं दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। इनके पिता का नाम भी देखिए यहां पर आ गया, इनके पिता का नाम शुद्धोदन जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी, ठीक है ना, निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके। देखिए जन्म का दिवस दिया है, इसका स्थान दिया है, वृक्ष का नाम दिया है, पिता का नाम भी दिया है शुद्धोदन, और निरंजना नदी का नाम भी दिया है जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि देखिए अब इसको हम ब्लैंक को कैसे भरेंगे। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथों पर आधारित है, ठीक है ना। जरा देखते हैं इनको, ये है क्या दोस्तों। तो देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों यानी कि सच्चाइयों का उपदेश दिया, यही तो ऑप्शन में था, 4 सच्चाइयां, ठीक है ना। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों यानी कि सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चतवारी आर्य सत्यानी और पाली भाषा में चत्तारी आर्यानी सच्चानी कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख संसार में दुख है, दूसरा दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिकी की मार्ग है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि अष्टांगिकी की मार्ग की संबंध, अष्टांगिकी की मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये महान सच्चाइयों में नहीं है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ठीक है, ये सच्चाइयों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अब ये त्रिपिटक है क्या, तो इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये पाली भाषा में रचित है। देखिए सारे ही लाइनें यहां से इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये पाली भाषा में रचित हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक में विभाजित किया गया। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? टोकरी, इसका मतलब होता है टोकरी। तो देखिए पहले यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर सुत पिटक, क्या दिख रहा है? सुत पिटक। तो हम सुत पिटक की बात कर लेते हैं। सुत पिटक क्या है? सुत का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। फिर है विनय पिटक, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार और अनुशासन संबंधित नियम दिए हैं। और अभिधम पिटक में है, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। अभी हमने अभी क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया था डिस्क्रिप्शन में, तो याद रखिएगा त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है किसका? बौद्ध धर्म का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सारनाथ, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन, प्रथम प्रवचन कहां दिया था, सारनाथ में। चलिए सारनाथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सारनाथ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। अब देखिए क्या कह रहा है, उपदेश दिया था, इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम दिया गया। याद रखिएगा जब इन्होंने उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध मतों के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध गया। याद रखिएगा गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात गौतम बुद्ध की हो रही है तो यहां से आपको कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया कौल्या वंशीय वंश की थी। ये कौल्य वंशीय थी, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में बौद्धि यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, देखिए क्या कह रहा है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनका नाम है जुआन जांग। क्या नाम है दोस्तों? जुआन जांग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं आपके लिए। देखिए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन एवं चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचार एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका दोस्तों बिहार में। याद रखिएगा बौद्ध गया बिहार राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों बौद्ध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाली भाषा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा पाली भाषा में इन्होंने अधिकतर यानी कि उपदेश इन्होंने अपने पाली भाषा में दिए हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। इतनी डिस्क्रिप्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत कुछ अब तक याद हो चुका होगा। और यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बचा है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है सारनाथ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में के किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध। तो याद रखिएगा जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है।
चलिए इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिक, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। यहाँ आपसे पूछ रहा है किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, तो इसका राइट आंसर है 6वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हम देखते हैं इन्हें। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काल कई मामलों में सक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है, ठीक है ना, तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता और शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए माया इनकी माता का नाम था, और यहां से आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। देखिए फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है, इनकी माता का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गोमती ने बुद्ध का पालन पोषण किया। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, रेलवे के अलावा एसएससी एग्जाम में भी, कि गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी कि इनका पालन पोषण किसने किया, तो नाम याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। देखिए क्वेश्चन नंबर छिप रहा है यहां पर, यह क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, बिहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, यानी कि यहां कह रहा है किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, बिहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म में। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, बिहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। ये क्या है दोस्तों, तो इनके बारे में हम जरा जान लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआत बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मठ जिसे बिहार कहते हैं, अवशेष इसे स्तूप कहते हैं, एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष जिसे चैत्य कहा जाता है, एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूप के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा थी। बौद्ध मठ यानी कि बिहार का तात्पर्य उस जगह से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा एवं उपदेश देते थे, यानी कि बौद्ध मठ में क्या होता था, यहां पर बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा एवं उपदेश देते थे। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। ठीक है ना, बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर क्या है, एक बौद्ध मठ का उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह स्थित है, यानी कि कहां स्थित है दोस्तों, यह स्थित है आपका श्रीलंका में। ठीक है ना, दांत का मंदिर यह कहां स्थित है, श्रीलंका में। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। पूछ लेता है शहरों के नाम देगा, फिर आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही मंदिर में भगवान महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी, और वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत स्थल में भी शामिल है। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर है? सही आंसर इसका दोस्तों सारनाथ में। याद रखिएगा बौद्ध संरचना जिसका नाम है धमेक स्तूप, ये कहां है, ये सारनाथ में स्थित है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए। तो दोस्तों बौद्ध संरचना धमेक स्तूप एक बृहत स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक स्तूप एवं अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था।
अगला क्वेश्चन है बोरोबुडूर। देखिए इसको बोरोबुडूर भी कहते हैं और बोरोबुडूर भी कहते हैं। तो बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुडूर का मंदिर। देखिए दोस्तों, बोरोबुडूर कह लीजिए या बोरोबुडूर कह लीजिए, इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य में महायान बौद्ध विहार है। ये यहाँ आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के द्वारा हुआ था, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धमेक स्तूप सारनाथ। ठीक है ना, धमेक स्तूप सारनाथ। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंच बगिया को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है धमेक स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो राइट आंसर का त्रिपिटक। दोस्तों, हम पहली भी पढ़ चुके हैं इसे। इनमें से बौद्धों की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधारभूत और मुख्य ग्रंथ हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। अभी इससे पहले हमने कंप्लीट किए थे, तो त्रिपिटक के नाम आपको याद होना चाहिए। त्रिपिटक के नाम क्या है? पहला है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। बात करते हैं पारसी या यहूदी धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को। देखिए, भारत का एक धर्म जोरोऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, भारत में एक प्रमुख धर्म जिसको क्या कहते हैं? जोरोऑस्ट्रियन। ये कहां पाया जाता है मुख्य रूप से? महाराष्ट्र में। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, जोरोऑस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्ट, क्या नाम है इनका? जरथुस्ट हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान हैं और 1 युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म भिन्न है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मंदिर हिंदू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किस प्रकार से है, जरा हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आपको समझा भी मैं दूंगा। देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध और मंदिर हिंदू। तो मतलब क्या है, अलग कैसे है ये मंदिर हिंदू? तो देखिए, अवेस्ता पारसी धर्म का, तोरा यहूदी धर्म का और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर जो है ना दोस्तों, वो हिंदू धर्म का पूजा स्थल है। बाकी के सब ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का है, तोरा यहूदियों का है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, लेकिन यहाँ क्या है, मंदिर हिंदू। ये अलग हो गया ना, क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये इनका पूजा स्थल है, इसलिए ऑप्शन डी अलग है यहां पर। जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, जैन अवेस्ता ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जैन अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये जैन अवेस्ता? तो ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अभी हमने ऑप्शन में ऊपर देखा था अवेस्ता लिखा था पारसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 56 में, तो वही क्वेश्चन इसने यहां दोबारा बना दिया। तो देखिए, हम इसका देख लेते हैं इसको। देखिए, जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर यानी कि जरथुस्ट, जो कि ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो दोस्तों, यहूदी धर्म का पालन करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए, ऑप्शन इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहां से।
देखिए, यहूदियों का एकाश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, ईशाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। ठीक है, यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तोरा। याद रखिएगा, यहूदियों की धर्म भाषा इब्राहिम, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। ठीक है ना, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। पहले याद रखिएगा, यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। देखिए, देखते हैं हम ये तोरा है क्या। तो यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी कि हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। तो यहां से हमको पता चलता है कि तोरा क्या है, यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। अब देखिए, यहाँ ऑप्शन में दिए थे त्रिपिटक, धम्मपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनको भी देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म चक्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित करें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। और जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में नाम बताने हैं कि इनका पुत्र और पुत्री के नाम क्या थे, जो कि धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संगमित्रा। ठीक है ना, महेंद्र किसका नाम था, पुत्र का, और पुत्री का नाम क्या था, संगमित्रा। किसके, अशोक के। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थान पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। देश का नाम भी याद रखिएगा, कहाँ भेजा था, श्रीलंका। सम्राट अशोक का नाम देवानामा प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संगमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है अशोक। देखिए, अभी हमने कंप्लीट किया था, संगमित्रा अशोक की पुत्री थी। ठीक है, और लड़के का नाम क्या था, महेंद्र। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, महेंद्र वर्मन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, महेंद्र वर्मन और संगमित्रा के पिता कौन थे, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? सही आंसर है अशोक, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, कलिंग युद्ध में क्षति और नरसंहार से उसका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया, तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में कहां पर विजय थी, जो उनके जीवन काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, यानी कि उड़ीसा। अब देखिए, यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, मैं आपको कंप्लीट कराता हूं फैक्ट। देखिए, कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। यह युद्ध एक भयानक यानी कि भयंकर नरसंहार इसमें हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया
और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए, धम्म की स्थापना की और आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने किस के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है अच्छे से, तो हमें याद होगा, हम लगा सकते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है कलिंग। याद रखिएगा, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि 261 BC में। चलिए, 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया, ये हम कई बार यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और नया डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, ठीक है ना? यानी कि चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य सिंहासन के पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा, वायु पुराण में इसे भद्रसार या बारीसार कहा गया है। किसे? बिंदुसार को। वायु पुराण में इसे भद्रसार या बारीसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसको? बिंदुसार को। अशोक सम्राट अशोक का पुत्र था, यानी कि सम्राट अशोक का कौन पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर इसका बिंदुसार, ठीक है ना? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। देखिए दोस्तों, यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, ठीक है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ कौन? अशोक, ठीक है ना? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, इस बात को याद रखिएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार। याद रखिएगा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, तब वह अवंती का राज्यपाल था। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। सुसीमा मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र और तथा अशोक का सौतेला भाई था। कौन? सुसीम। सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का ये शासक था। इसने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था।
महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? लगा सकते हैं दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को, कई बार हम इसकी डिस्कशन पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों पाटलिपुत्र, याद रखिएगा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों कौटिल्य यानी कि ये बात कर रहा है चाणक्य की, ठीक है ना, कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौर्य। तो याद रखिएगा चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए, इनके अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों आप कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका विष्णुगुप्त। अभी हमने कंप्लीट किया था दोस्तों, चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, एक ही व्यक्ति के नाम है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों ये थे यूनानी, याद रखिएगा मेगस्थनीज ये यूनान देश के थे। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है ना। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आए थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और अन्य न्याय का पालन करता था। इन अधिकारी को क्या कहा जाता था? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रज्जुक। क्या कहते हैं? रज्जुक। देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाट्य का विषय है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। देखिए दोस्तों मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। यदि एग्जाम में पूछे कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, इसके रचयिता कौन है? विशाखदत्त। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है यानी कि प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रैसल और कुलहीन कहा गया है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? राइट आंसर है दोस्तों सुंग वंश ने। याद रखिएगा मौर्य वंश को सुंग वंश ने समाप्त किया। देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, जरा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर सुंग वंश की स्थापना की। इसलिए क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या था? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? सुंग वंश ने, क्योंकि इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या की थी। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 7575 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र सुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। याद रखिएगा सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम है दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अभी हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन,
तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है बृहदत्त्र, याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बृहदत्त्र, बृहद्रथ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, जल्द मिलते हैं हम प्राचीन इतिहास के पार्ट सेकंड के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।